Hi guys, coming up to the next lecture. Uh, this is also related to legal current affairs. 2023 जो कि अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ये लेक्चर सीरीज में होगा कोई तो या तीन लेक्चर सीरीज में ये पूरा आई जो कि अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा ये हम डिस्कस करेंगे सो स्टार्टिंग विद बेसिक्स इट कम थ्री हंड्रेड एंड सेक्शंस प्रियम्बल और ये चैप्टर uh, डिवाइडेड है जैसा कि आपका नॉर्मल कोई लेजिस्लेशन होता है हम उसको उसी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे और ये सारे सेक्शन यूजली वो सारे सेक्शंस हैं जो हम आई टी सी में पढ़ते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एनी जुडिशियल सर्विसेस एग्जामिनेशन और फॉर एनी

सेक्शन वन शॉर्ट टाइटल यही है भारतीय न्याय सेंट्रल गवर्नमेंट में कमेंसमेंट की एप्लीकेशन कुछ चीजें जो मैं अभी बता दूं, जो ब्लू कलर है उसमें आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो पिंक कलर है पिंक हाईलाइटर जो पिंक अगर फॉर्म आपको दिख रहा है addition, जो न्याय से लाया गया है जो उसमें नया है जो में पहले नहीं था सो so एप्लीकेशन जो है जो स्कोप है एक्सटेंट है वो आईपीसी डील करता था सेक्शन टू से लेके फाइव तक वही चीज आपकी सेक्शन वन में अब दे दी गई है बी के जो कह रहा है द पर्सन शाल बी लाइबल फॉर एनी ऑफेंस विद इन इंडिया एक दूसरा कोई भी ऐसा ऑफेंस ही शैल बी लायबल बाय एनी इंडियन लॉ फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इसका मतलब क्या है मतलब ये है कि अगर किसी फॉरेनर ने किसी इंडियन को मार दिया उस केस में विक्टिम कौन है एक इंडियन है सो दैट पर्सन वुड बी लायबल अंडर इंडियन लॉ ये है आपका सेकंड क्लॉज uh, का मतलब तीसरा है फॉर एनी ऑफेंस व्हिच इज कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन बियॉन्ड इंडिया चौथा है कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कोई भी पर्सन कर रहा है ऑन एनी एयरक्राफ्ट और शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया चौथा कहता है कि सॉरी फिफ्थ वन स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया जो ऑफेंस कमिट कर रहा है एंड इज टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया इन सारे लोगों को इन दे दे ऑल वुड बी लायबल एंड दिस भारतीय न्याय संहिता वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल सच पर्संस एंड लॉस रिलेटिंग टू म्यूटिनी म्यूटिनेशन शाल नॉट बी इफेक्टेड ये बात आपका सेक्शन फाइव कह रहा था अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे पहले आईपीसी में सेक्शन एट से लेके फिफ्टी टू ए तक हमें definitions देखने को मिलती हैं और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलते हैं जो कंपराइज कर रहे थे सेक्शन थर्टी फोर से लेके थर्टी एट के बीच में बट अब वो सब कुछ कंपाइल करके हमारे सेक्शन टू और सेक्शन थ्री में आ गया है हम पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहली चीज ये कि आप उन्हें कंपाइल कर दिया है दूसरी चीज ये कि आप ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गए हैं सो सब सबसे टू सेक्शन वन टू थ्री फोर ये सब जो दे रखे हैं ये आपके सबसे होंगे स्टार्ट करते हैं एक्ट से सेक्शन 32 आप देखिए जो चीज चेंज नहीं हुई है आईपीसी में वैसे के वैसी है मैंने बस उसका सेक्शन नंबर मेंशन कर दिया है अगर आपकी आईपीसी अच्छी है तो आपको ये कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी सो इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो भारतीय न्याय संहिता एक्ट वही मतलब है उसका जो सेक्शन 32 में था एक्ट जो है वो एक सिंगल एक्ट भी इंक्लूड करेगा सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड करेगा एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी क्रिएचर होगा तो वह एनिमल होगा चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ न्यू एडिशन जो बी लेकर आया है काउंटरफीट सेक्शन 28 सेम चीज बोल रहा है कोर्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले बोलते थे अब सिर्फ कोर्ट है सेक्शन 20 आईपीसी कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता था बट बीएनएस अब कोर्ट की बात कर रहा है सेक्शन सिक्स सबसेक्शन सिक्स टू सबसेक्शन सिक्स बोलता है डेथ जो कि मींस डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वो सेक्शन फोर्टी सिक्स में जैसा दे रखा था सेम है डिसनेस्टली देर इज ऑल्सो अ चेंज इन दिस डेफिनेशन जहां पर इट मीन डूंग एनी गेन टू वन पर्सन और डॉक्यूमेंट फ्रॉड सेक्शन ट्वेंटी नाइन में जैसे था फ्रॉडिलेंटली जेंडर ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रॉडिलेंटली सेम डेफिनेशन है जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है बी एन एस से अब ट्रांसजेंडर भी जेंडर में इंक्लूड होगा जेंडर के डेफिनेशन में गुड फेथ इंजरी इीगल लीगली बाउंड टू डू जज यहाँ तक की सारी डेफिनेशन वही कॉपी की गई हैं जो आईपीसी में थी सबसेक्शन यहाँ पे जो mentioned है ये सारे उनके सबसेक्शन नंबर हैं जज में पहले चार इलास्ट्रेशन होते थे अब सिर्फ एक इलास्ट्रेशन रिटेन किया गया है जो कि ये बता रहा था कि मजिस्ट्रेट का ये ये काम होता है मजिस्ट्रेट वो पर्सन होता है जो ये ये सारे basically who is involved in all such activities wo sab sirf ek illustration hai illustration d jo tha aap se wahi retain kiya gaya hai life immovable property offence omission person public servant <coughs> wrongful loss gaining wrongfully and losing wrongfully ye sare definitions same waisi hi hain jaise aapke ipc mein de rakhe the कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं है सिवाय इसके कि सबसेक्शन नंबर हो गया है अब इनका और ये sub-section टू में आएंगे Wrongful loss, gaining wrongfully and losing wrongfully, ये पहले सेक्शन थ्री जनरल एक्सप्लेनेशन सॉरी फॉर दिस मिस्टेक थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे अब आगे हम बात करते हैं ये कह रहा है जो आपका सेक्शन सिक्स 27, 34 से लेकर 38 तक आईपीसी का जो सारी बातें करता था वो अब अब सब कुछ section 3 में compile कर दिया गया है। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट शाल मीन टू बी पोजेशन ऑफ दर्स हिमसेल्फ एक्ट सेक्शन फाइव से सेक्शन

एक कंपाइल कर दिया गया है इन सारे सेक्शंस को एक जगह पर दैट इज नो अदर चेंज जो यहाँ पर हुआ है जो अंदर का मैटर है वो सेम है सो सेक्शन 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 से से लेके 5 से लेके सब सब कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है कॉमन इंटेंशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा है जो सेक्शन थर्टी फोर से थर्टी एट में ऑलरेडी डिस्कस करे गए थे आईपीसी में इलास्ट्रेशन वही रिटेन किए गए हैं ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लाइबिलिटी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शंस माने जाते हैं ये उनकी बात कर रहा है अब आते हैं हम चैप्टर टू पनिशमेंट्स पनिशमेंट्स में बहुत इम्पोर्टेंट एक चेंज लाया गया वो ये कि पहले हम पांच तरह की पनिशमेंट रिकोगनाइज करते थे वो फाइव काइंड ऑफ पनिशमेंट्स जो थे वो आई सेक्शन फिफ्टी में दे रखी थी जो कि स्टार्ट हो रही थी कैपिटल पनिशमेंट दैट इज डेथ फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड फॉर अ टर्म फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी न्याय संहिता में अपार्ट फ्रॉम दीज फाइव जो सिक्स एक पनिशमेंट रिकनाइज की गई वो है कम्युनिटी सर्विस की कौन से ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है ये हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे आते हैं हम कम्युनिटेशन ऑफ सेंटेंस पे

सेक्शन एट अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एक्सेट्रा जो बातें सेक्शन 63 से लेके 70 तक सब अलग अलग दिया हुआ था अब उसको सेक्शन एट में कंपाइल कर दिया गया है जो कि है कोई भी अगर कोई सम एक्सप्रेस नहीं करा गया है तो फाइन जो है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कितना भी हो सकता है बट इट शाल नॉट बी एक्सेसिव फिर सब सेक्शन सबसे टर्म ऑफ एमेंट शाल नॉट एक्सीड वन फोर्थ ऑफ देंटेंस मैक्सिमम फिक्स फॉर ऑफेंस Subsection 4, imprisonment imposed in default of payment of fine may be of any kind. Moving forward, ये important change है. पहले imprisonment अगर जो offence है, if it was punishable only with fine, तो उसका amount अलग था. अब वो amount change कर दिया गया है. अब वो amount क्या है? दो महीने तक क्या imprisonment दिया जा सकता है? If the amount of fine it does not exceed five thousand rupees.

जो कि ये बोल रहा था कि आप मैक्सिमम जो उसमें अगर मान लीजिए तीन या चार ऑफेंसेस के लिए ट्रायल किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट जो मैक्सिमम सेंटेंस दे सकते हैं जितने वो इंपावर्ड है उससे ज्यादा वो इम्पोज नहीं कर सकते वही बात आपका सेक्शन नाइन कह रहा है सेक्शन टेन पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच

मैंने यहाँ पे वाइज डिस्कस किए हैं सेक्शंस साथ में आईपीसी के क्योंकि उससे रेफर करने में आसानी रहती है आप लोगों तो को समझ में भी आसानी रहेगी मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 76 से 79 ऑफ इंडियन पीनल कोड डेल्ट विद मिस्टेक ऑफ लॉ वही चीज सेक्शन 14 से लेकर 17 तक बात कर रहे हैं 14 कह रहा है कि उसको इस बात का डिफेंस मिल सब, मिल जाएगा सेक्शन 15 एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियरी जुडिशरी नॉट एज सेक्शन 77 अर्लियर ऑफ आईपीसी सेक्शन 16 एक्ट डन पर्सेंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेक्शन 78 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत बार ये बहुत एग्जाम्स में प्रीलिमिनरी उसमें पूछा जा चुका है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बेस पे बन जाते हैं फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन जस्ट रिमेम्बर दी सेक्शन नंबर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर सिर्फ सेक्शन नंबर में थोड़ा चेंज किया गया है सेक्शन सेवन एक्ट डन बासन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बी जस्टिफाइड बाई लॉ एक्सीडेंट सेक्शन एटीन जो बात एक्सीडेंट की उधर हो रही थी वही सेम बात यहाँ करी गई है सेक्शन एटीन एक्सीडेंट एंड डूंग लॉफुल एक्ट

जो भी एक्ट हो रहा है विद कंसेंट इट इट शुड नॉट लीड टू डेथ और इट 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 इज नॉट डन विद द इंटेंट और नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ ग्रेवियस होट और विद एनी सच इंटेंट और ये सारे जो सेक्शन थे एटी से 92 जो बात कर रहे थे कंसेंट के साथ अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसका एक डिफेंस मिल जाता है वही बात अब कर रहा है सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 20 सेक्शन uh, 30 तक Good faith, 93 अगर good faith में कोई कम्युनिकेशन किया गया है और उसकी वजह से अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो पर्सन मेकिंग स्लाइट हार्म सेक्शन थर्टी थ्री सेक्शन नाइन्टी फाइव जो बात बोल रहा था कि जो क्रिमिनल लॉ है और जो लॉ है Take into consideration minor matters or trifles. So that has been recognized under section 33. Moving forward with private defense, section 96 to 105 dealt of Indian Penal Code dealt with private defense, which has been discussed from section 34 to section 30 or uh, section 44. So these 10, 11 sections are actually discussing about private defence. Same principles have been retained section 34 things done in private defence nothing shall be an offence which is done in private defence that is the general rule the basic principle behind private defence section 35 right of private defence of body and of property as was stated under section 97 section 36 right of private defence against act of a person of unsound mind etc same as section 98

reasonable apprehension of harm being caused to the body and it continues till this apprehension continues. Section 41 when right of private defence of property extends to causing death. Section 43 commencement and continuance of right of private defence of property. Section forty four right of private defense against deadly assault when there is harm to innocent person. Yeah in section 105 mein.

और attempt, जो कि एकदम लास्ट में था 511, 45, of a thing. Same चीज़ जो 106 बोल रहा था वही डेफिनेशन पर दी गई है, 46, 107, कौन कौन से में होगा वो सारे एक्सप्लेनेशन वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड है सेक्शन फोर्टी सेवन अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेज आउटसाइड इंडिया

द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दू सेक्शन हंड्रेड एंड फोर्टीन जिसकी बात करता था क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी पहले अलग सेक्शन में दे रखा था इसका पनिशमेंट और डेफिनेशन अब सेक्शन 61 है क्रिमिनल कॉन्सपेरे विच कम्प्राइस द होल क्रिमिनल कॉन्सपेरे उसका डेफिनेशन पनिशमेंट दोनों चीजें जो है अब यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है अटेम्प्ट सेम जो सेक्शन 511 में था अब सेक्शन 62 बात करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रेजनमेंट इवन जो इसके इलास्ट्रेशन है वो भी सेम रिटेन किए गए हैं इलास्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है क्शन फाइव हंड्रेड एलेवन के सो सेक्शन सिक्सिफिकली सिर्फ और चाइल्ड रिलेटेड की बात कर रहा है ये डिफरेंट हेड में डिवाइडेड है आईपीसी में पहले ये ऑफेंसेज अलग अलग दे रखे थे कुछ ऑफेंसेज थे जो आपके ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी में थे, से थे कुछ थे जो ऑफेंसेज अगेंस्ट मैरिज में थे मतलब अलग हेड्स में ये दे रखे थे अलग चैप्टर्स में दे रखे थे बट अब इन्हें कंपाइल करके एक जगह कर दिया गया है अंडर हेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड स्टार्टिंग विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन फर्स्ट हेड हंड्रेड एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस जो पहले थ्री 375 से लेके 376 ई ऑफ इंडियन पिनल कोड से डील कर रहे थे वो सब अब सेक्शन 63 से लेके आगे तक दे रखे हैं विल डिस्कस स्टार्टिंग विद सेक्शन 63 रेप इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट की गई हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन टू जो बात कर रहा था एज ऑफ इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप पहले ये जो टाइम पीरियड था ये जो सॉरी जो एज थी ये फिफ्टीन ईयर थी सो दिस इज देंज विच है सेक्शन सेक्शन 64 पनिशमेंट पनिशमेंट फॉर फॉर रेप, रेप 65 इन सर्टेन केसेस, जो है अगर 16 ईयर से या 12 ईयर से कम है स्पेसिफिकली उस केस में कितनी पनिशमेंट होगी जो कि अभी जो आपका लास्ट आईपीसी अमेंडमेंट था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था उससे लाया गया था वो चेंज किया गया था

प्रिटेक्सट पे अगर ये कर रहे हो ऑन प्रिटेक्ट ऑफ फॉल्स प्रोमिस टू मैरी इफ इफ द पर्सन इज गेटिंग इन्वॉल्व टू अ सेक्शुअल रिलेशनशिप विद अ वूमेन ही वुड बी हेल्ड गिल्टी दिस हैज़ हैजीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट

सेक्शन 72 में ही अब आप उसको आपने इंक्लूड कर लिया दैट इज अंडर द हेड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अब हम बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन की जो सेक्शन 354 से लेके 354 डी तक और 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील कर रहे थे अब वही चीज सेक्शन 79 से लेके सेक्शन सॉरी सेक्शन 74 से लेके सेक्शन 79 तक डील करेंगे सेक्शन 74 क्या बात कर रहा है असॉल्ट किया असॉल्ट और विद द इंटेंट टू आउटरेज मॉडस्टी सेक्शन 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट Section 76 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद एक्ट इंटेंडेड टू ऑफ अ वुमन अब ये सब कहा था ये 509 509 था, 511 में, ये है. So, अब इन सारे ऑफेंसेस को एक जगह क्लब कर दिया गया है जो कि उनकी विच इज रिलेटेड टू क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन ओफेंसिस रिलेटिंग टू मैरिज सेक्शन थ्री जीरो फोर बी और एक चैप्टर अलग था आपका चैप्टर ट्वेंटी विच डेल्ट विद ओफेंसेज अगेंस्ट मैरिज सेक्शन 493 से लेके 498 ए तक ये सारे सेक्शंस को कंपाइल करता था बट अब ये चैप्टर 5 में आएगा बीएनएस के जो कि हैं ऑफ कंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड सेक्शन 80 डाउरी डेथ सेक्शन 81 कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन टिसिटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज सेक्शन 82 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ दैट इज बायगैमी Section 83 marriage ceremony fraudulently gone through without actually committing or without actually solemnizing the marriage. Just give me a second, I think something has went wrong. Yes, uh, section 84 it actually deals with enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman. Uh, section 84 by mistake, I have written.

पहले जो है वो explanation में दे रखा था 498 ए के गया है और वही चीज जो में में दी दी गई गई थी वो section 86 में ला दी है section 87 इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा दैट वॉज एक्चुअली सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन पीनल कोड जो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है हमें सेक्शन आई बी सी के नहीं अब हमें बी एन एस का सेक्शन 87 याद रखना है कि वो अब जो है वो यहाँ आ गया है दैट इज ऑफेंसेस हैरेज तीन सौ बारह से तीन से 316 जो बात कर रहा था इंडियन पीनल कोड का वही बात अब सेक्शन 82 88 से लेकर 92 तक कर रहा है इंपॉर्टेंट है सेक्शन 88 एट कॉसिंग मिस कैरेज पनिशमेंट सेम है जो वहां पे दे रखी थी Offenses against child section 93 exposure and abandonment of child under 12 years of age by parent or person having care of it that is and that is a punishable offense section 95 hiring employing or engaging a child to commit an offense any person this is a new section which has been inserted under Bharatiya Naya Sanghita. so agar koi bhi person is is actually procuring a child

इफ इट इज कमेटेड बाई दर्सन बाय दिसल्ड जिसके लिए उसको हायर किया गया था एंगेज किया गया था या फिर इम्प्लॉय किया गया था सो सेक्शन नाइंटी सिक्स इट डील्स विद प्रोक्योरेशन ऑफ अ चाइल्ड इफ एनी पर्सन इंड्यूसेस एनी चाइल्ड टू गो फ्रॉम प्लेस और टू डू एनी एक्ट टू गो टू समस टू डू एनी एक्ट विथ इंटेंट और नॉलेज की अगर वो पर्सन को वहाँ मतलब उस बच्चे को वहाँ फोर्स किया जा सकता है और ही कैन बी सीट कोर्स विदर इन दैट केस दर्सन एक्चुअली इंड्यूज हिम उस बच्चे को किसी और जगह जाने के लिए ही शाल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड टू टेन ईयर्स एंड शाल फाइन सो सेक्शन नाइनटी फाइव और नाइनटी सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लाए गए अंडर भारतीय न्याय संहिता

ओवरऑल रिव्यू आपको मिल जाएगा कि किस तरह से इसको फ्रेम किया गया इसका स्ट्रक्चर क्या है आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या नए ऑफेंसेस आए हैं क्या चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस क्यों आए हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर कोई चेंजेस हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं सो यू आर दैट आप लोग फ्री हैं दैट यू आर फ्री टू डू प्लीज मैंशन देम इन द कमेंट्स थैंक यू